देखो जवानो तुम्हें दम है, आग लगा दो पानी में, सुनते हो दुश्मन चहियाया अपनी भरी जवानी में। प्रशिक्षण से पहलवान, दिल से कवि और अभूतपूर्व गायक, जिनका भोजपुरी लोकगीत में योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। के हो पगलिया गांधी ससुरिया चल लेना, बन के खार दल के हो पगलिया गांधी ससुरिया चल लेना। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज तक उनकी पहचान छुपी रह गई। यह कहानी है भोजपुरी के अभूतपूर्व गायक जंग बहादुर सिंह की, जिनकी उम्र अभी 102 वर्ष है। बिहार के सिवान जिले के कौसात गांव में 10 दिसंबर 1920 को जंग बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। कभी गायों को चुराते हुए तो कभी कुश्ती करते हुए वह अक्सर सरजू नदी के किनारे बैठकर गाना गाते थे। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने बंगाल, बिहार और झारखंड में अपने दर्शकों को अपने व्यास स्टाइल के द्वारा प्रेरित किया। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय अपने राष्ट्रवादी गानों के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। जंग बहादुर अपने राष्ट्रवादी गीतों से देश के युवाओं में जोश और उत्साह भरते थे। आज उन्हें जरूरत है तो अपनी पुरानी पहचान वापस पाने की। गांधी बाबा दुल्हा बन ले, नेहरू बन ले सुहबनिया। कि मैं प्रणाम करता हूँ जंग बहादुर सिंह जी को, क्योंकि हम बचपन में जब गाँव में रहनी तो पूरा उनका चैता वगैरह सुनने हैं, और मैं उस खुशनसीब मेरे ख्याल से कुछ लोगों में से हूँ जिनको अपनी आंखों से सुना हूँ अपने बंदरा गांव में उनका चैता। और जब ये बात छिड़ी तो मैंने बताया कि उनकी झाल बजाने की जो कला थी वो मेरे ख्याल से बहुत ही निराली। आधा घंटा तक पहले झाल बजता था, उसके बाद चैता की गवाही शुरू होती थी। तो मेरे को आज बहुत खुशी हुई कि आज उस शख्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है जिसको मैं बचपन से मानता था, और आज उनके बारे में सुनने को और समझने को मेरे को एक मौका मिला। जंग बहादुर बाबू के, जंग बहादुर सिंह जी के सबसे पहले तो प्रणाम करते नहीं, कहें कि हमने से सीरियर नहीं आ ओ जमाना के अपने आप में एगो उनकर नाम लिखे जाते रहे गायक में। जब कलकत्ता से हम आई कुल फिल्म में, जब मिली वहाँ से तो हमार वहाँ के गाना बजाना होके चाहे वहाँ के सुने का मौका मिले तो वो घड़ी वहाँ के इतना बढ़िया गाई, खास करके भैरवी। आ सबसे खुशी के बात ई बात जो पुरनका गायक लोग में सब लोग चल बसल, बाकी आज भी ये खुशी के बात बाकी जंग बहादुर बाबू आज भी जिंदा बन। आप चाहे जो काम कर रहे हैं उसका देश और समाज के लिए क्या योगदान है या महत्वपूर्ण, तो जंग बहादुर बाबू की जो गायकी रही है वह मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए कभी नहीं रही। उनकी शुरुआत ही होती है देशभक्तों में जोश जगाने के लिए। उनके गायकी की शुरुआत 1942-43 से लेकर 47 तक उन्हीं क्रांतिकारियों के साथ थे, गाना गाते थे देशभक्ति के, उनमें जोश जगाते थे। तो ये कालखंड था और वहां से उनके गायकी की शुरुआत होती है। आजादी के बाद भी
लगभग 70 तक, 60-70 के दशक में तो बहुत बड़ा नाम हो गए थे। तो उस कालखंड में भी वो सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, महाराणा प्रताप और इनकी वीर गाथा को गाते थे। ये वो समय रहे कि बाबू जी बहादुर सिंह की तुति बोलते रहे, वहां के सामने केहू गायक रहे ना, वहां के एक साथ तीन तीन गो व्यास धरे तो बोला गए, झारखंड, बंगाल इत्यादि स्टेटों में वहां के पूरा नाम रहे, 15-20 बरस तक ले वहां के छतराज रहे स्टेटों में, आसनसोल, दुर्गापुर, जरिया, धनबाद इत्यादि में वहाँ का अपन राजकरण बहुत रहे। वहाँ के साथ के करीब करीब सब कोई जितना गायक रहे दुनिया छोटी चल गई, लेकिन आज भी वहाँ की जिंदाबादी भगवान की बहुत बड़ा आशीर्वाद, 1-2 बरस की वहाँ हो गई।